नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है राज सिंटू कुमार। तो दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं आज की 16 इंच का फ्लांज जॉइंट कैसे होता है फिटअप। तो दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों वीडियो होने वाला है आज। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे जो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों शेयर उसको ही कीजिएगा जिसको इसका ज़रूरत हो। सबको मतलब शेयर कीजिएगा, सिर्फ उसको शेयर कीजिए जिसका ज़रूरत हो उसका। तो देखिए दोस्तों, अभी क्रेन से जो ये फ्लांज आ गया है यहाँ पे सेंटर में यहाँ लगने वाला है वहाँ पे आ गया है। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कितना इसमें स्टैंड लगा हुआ है, इसमें बहुत सारा इसमें स्टैंड लगा हुआ है ताकि इधर उधर बेंड ना हो, क्योंकि उसमें भी तीन जॉइंट अभी जस्ट हुआ है अभी, तो उसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ था, जिसके लिए उसका वीडियो नहीं बनाया मैं। और बाकी दोस्तों, फ्लांज जॉइंट वीडियो नहीं हुआ था और फ्लांज जॉइंट दोस्तों वीडियो शुरू हो रहा है, तो इसके लिए मैं सोचा कि इसका वीडियो बना के आप लोगों को मैं दे दूँ ताकि आप लोगों को कुछ नॉलेज मिले इससे। दोस्तों, अभी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ यहाँ पे है क्योंकि जॉइंट कम है, ज़्यादा आदमी है, इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा भीड़ लगा हुआ है। पर ज़्यादा आदमी रहने से ये फ़ायदा होता है कि जल्दी से कोई भी काम हो जाएगा आपका, और कोई भी चीज़ अगर कम पड़ रहा है तो बराबर करके वो काम पूरा आपका हो जाएगा, ये थोड़ा फ़ायदा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, क्रेन में अभी टंगा हुआ है ये फ्लांज है, क्योंकि ज़्यादा वेट लेना अच्छा नहीं है, इसके वजह से दोस्तों उसको फ्लांच में उसको क्रेन से टांग करके पीस यहाँ पे लाया गया है। और दोस्तों, उसका पूरा सेटअप हो रहा है क्योंकि इसमें स्टैंड जो है वो फ्लांच जो है वो स्टैंड पे रखा जाएगा ताकि जो आराम से उसको टेकिंग हो सके, आराम से उसको सब कुछ देख सके उसको। तो उसके लिए दोस्तों उसका उसका फिटअप हो रहा है, इसका मतलब हर चीज़ चेकिंग, इसका जो चेक हो रहा है कि हमको कैसे रखना है फ्लांच को ताकि हमको स्पीड लेवल देखने में बराबर अच्छा रहे हमको, और बाकी जो इसका प्लेम देखने में अच्छा रहे, सब कुछ देखने में अच्छा रहे, इसके वजह से तो उसको अच्छे से उसको इसमें रखा जाता है ताकि कोई डिस्टर्बेंस बीच में ना आए। देखिए दोस्तों, एक नहीं दो तीन चार स्टैंड से करके रखा जाता है इसको। देखिए दोस्तों, उसमें से स्टैंड निकाल करके इसको इधर लगाया जा रहा है ताकि इसमें अच्छा से फिटअप हो जाए इसमें। तो देखिए दोस्तों, अभी इसमें इसको फिटअप सब कुछ रेडी सब कुछ कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए थोड़ा सा इसको मैं तो मैं सेंटर देखिए दोस्तों, अभी भी सेंटर इसका मिला दिया है उसको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसको अभी फिटअप सब कुछ करके रेडी हो रहा है। और दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा मैं उस साइड से इस साइड आ गया हूँ मैं ताकि आपको अच्छा दिखा पाऊँ, पर इधर भी तो ज़्यादा आदमी है, इधर बराबर दिख नहीं रहा है, पर कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा अच्छा से दिखाऊँ थोड़ा सा। तो दोस्तों, बीच में जा करके वीडियो बनाना अच्छा नहीं क्योंकि काम में डिस्टर्बेंस करना अच्छा नहीं है, क्योंकि काम भी ज़रूरी है, काम हो रहा है तो ही हम लोग वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए दोस्तों काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। देखिए दोस्तों, कि क्रेन से टंगा हुआ है यहाँ पे ये है, ये फ्लांच है ताकि इसमें कोई उठाने की जरूरत ना पड़े, कुछ भी जरूरत ना पड़े और आराम से फिटअप हो जाए, ये फ़ायदा रहता है इसमें दोस्तों। अगर क्रेन से कोई चीज़ अगर टंगा हुआ है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है क्योंकि सब कुछ काम क्रेन करेगा, सिर्फ आपको एडजस्टिंग करना है यहाँ पर है नीचे में, तो उसके बाद इसमें कोई टेंशन भी आपको नहीं रहेगा आपको। तो इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ टंगा हुआ है और सब कुछ यहाँ पर जो फिटर लोग जो भी हम यहाँ पर हैं वो सभी लोग यहाँ पर एडजस्टिंग कर सब कुछ कर रहे हैं इसको। तो दोस्तों, इसमें ओवरलैप ज़्यादा आता है, तो ओवरलैप ना आए इसके वजह से दोस्तों इसको सही से पहले सब कुछ चेक किए, सब कुछ चेक जाए, सब कुछ किया जाता है ताकि बराबर, ताकि इसमें ओवरलैप ना आए, बराबर जॉइंट मिले। जॉइंट जॉइंट में थोड़ा सा जॉइंट गड़बड़ रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये लेवल क्या हुआ, ये भी जॉइंट इधर से भी लेवल है और दोस्तों यहाँ से भी लेवल है, क्योंकि दोनों जगह से लेवल करके रखा हुआ है ताकि ये फ़ायदा रहेगा कि जॉइंट जो है उधर इधर इधर उधर जॉइंट वो ना जाए, ये फ़ायदा इसमें रहेगा। तो दोस्तों, अभी गैप नहीं बना है, सिर्फ इसको लेवल कर रहे हैं, उसका लेवल होता है, सिर्फ उन्हें लेवल किया जा रहा है ताकि ये पीस जो है ये बराबर से यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। एक बार अगर एडजस्ट हो जाता है तो फिर आसान हो जाता है सब कुछ करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, सब कुछ ओके हो गया है इसमें, बस में गैप देना बाकी है। गैप दे देंगे तो क्या होगा, लगभग जो पीस है वो 50% जॉइंट हो जाता है लगभग, समझ लीजिए। अभी इसको पूरा अच्छा से पूरा मिला दिया गया है इसमें सब कुछ, तो प्लेम थोड़ा मिला लेंगे इसको, जिसको कहीं कहीं भाषा में साहुल बोला जाता है, तो साहुल मिला लेंगे इसको ताकि ये बराबर से यहाँ पे इसमें मालूम पड़े कि हॉल जो है आउट उठ नहीं है कुछ है ना। और देखिए दोस्तों, अभी इस साइड दोस्तों यहाँ पे जो फिटर्स हैं वो इसका प्लेम चेक कर रहे हैं और उस साइड से वो गैप बना रहे हैं, मतलब उस साइड से वो गैप जो पट्टी होता है वो गैप रॉड इसमें डाल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, उस साइड से भी थोड़ा सा देखिए दोस्तों, अभी गैप इसमें गैप बन गया दोस्तों। ये भी दोस्तों 4 mm का लगभग 5 mm 6 mm लगभग गैप होता है। और दोस्तों ये जो है ये ओनली
4.5 mm का ये है, पट्टी है। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जो रखा हुआ है ये लगभग 1 mm 2 mm का ये भी होगा लगभग, तो इसके वजह से दोस्तों इसमें लगभग 5-6 mm गैप हो जाता है। और दोस्तों खींचेगा इसको तो 4-5 mm गैप रहेगा तो ये चलेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इतना ही गैप चाहिए दोस्तों ताकि ये फ्री, जब ये गैप पट्टी निकलेगा दोस्तों बिल्कुल फ्री होकर के 4 mm गैप हो जाता है, तो उतना गैप चलेगा, उतना एम कोई दिक्कत नहीं, गैप उतना ही गैप चाहिए सभी को बिल्डर को बिल्डिंग करने के लिए। देखिए दोस्तों ये बारी दिया गया ताकि जो इसका हॉल जो है वो हॉल को बराबर कर पाए, नहीं तो हॉल जो है वो बराबर हॉल बैठेगा नहीं। देखिए दोस्तों इसको ये बारी है, इस बारी से लगा करके हॉल को नीचे करेंगे तो नीचे अब बराबर से हो जाएगा और उस टाइम आपका जो है ये गैप भी सही होगा और इसका जो एडजस्टिंग है जिसका प्लेम देखने का जो है वो प्लेम भी इसका सही आ जाएगा। तो वही दोस्तों देखा जा रहा है इसको सही किया जा रहा है। देखिए दोस्तों पीछे दोस्तों इसमें टैकिंग का व्यवस्था हो रहा है, टैकिंग का जुगाड़ हो रहा है उधर से। देखिए दोस्तों ऊपर से क्लिट रखा गया पर क्लिट ताकि वो जो है बराबर से हो जाए। और देखिए दोस्तों बिल्कुल साइड बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में रखा हुआ है, क्यों दोस्तों लास्ट में रखा हुआ है, क्यों इसके लिए रखा हुआ है लास्ट में ताकि जो ये जॉइंट है इसको प्लेम देखने के लिए बराबर से सही रहे, आसान रहे, कोई दिक्कत इसमें ना आए, इसके वजह से इसको बराबर से इसको नीचे रखा गया है, इसको स्टैंड रखा गया है ताकि अंदर होकर के रहे तो अच्छा है, कोई टेंशन इसमें नहीं रहेगा। और देखिए दोस्तों इसका प्लेम चेक हो रहा है अभी भी दोस्तों। इसका मेन होता है प्लेम जिसको हॉल बोलते हैं, हॉल अगर बराबर से मिल जाएगा आपको, दोनों हॉल बराबर से मिल जाएगा अगर, तो जॉइंट करना आसान हो जाता है, जॉइंट करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। देखिए दोस्तों उसके दोस्तों भी जो लेवल जो उसका हॉल है वो हॉल बराबर कर रहे हैं और साइड से जो पूरा कहीं ओवरलैप नहीं है, कहीं कुछ नहीं है ना, वो भी उसका बहुत ज़रूरी है चेक करना, और वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया अगर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा उसमें, तो आपको जो फ्लांच है वो फ्लांच बराबर मिलेगा नहीं आपका, इसके लिए दोस्तों इसको मिलाया जा रहा है बराबर से, कोई दिक्कत इसमें ना आए कभी भी। देखिए दोस्तों इतना लोग यहाँ पे हैं, 4 आदमी यहाँ पे हैं पाइप को पकड़े हुए ताकि इसको इधर उधर कहीं ना भागे। देखिए दोस्तों एक फिटर साहब यहाँ पे भी रखे हुए हैं, क्लिट पकड़े हुए हैं ताकि क्लिट भी इधर उधर ना जाए। इसके दोस्तों अभी इसमें टेकिंग होने वाला है, जो टेकिंग हो जाएगा तो थोड़ा सा रिस्क आदमी हो जाता है। देखिए दोस्तों अभी इसमें इस टाइम दोस्तों इसको लेवल चेक किया जा रहा है, लेवल सही है कि नहीं है, लेवल सही है, लेवल में कोई दिक्कत नहीं है, लेवल क्योंकि लेवल मैं देख रहा था लेवल तो हमको सही लेवल दिखा है, इसमें कोई दिक्कत लेवल में नहीं है। देखिए दोस्तों अभी इसमें टेकिंग लग रहा है, देखिए दोस्तों टेकिंग शुरू हो गया है दोस्तों, 2 टेकिंग लग जाए तो क्या होगा, एक टेकिंग लग जाएगा ऊपर में टॉप में, दो सर मतलब लॉक हो जाएगा, तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि कभी भी जॉइंट इधर उधर जॉइंट नहीं भागेगा, तो इसमें आसान हो जाएगा कुछ भी करने के लिए। तो वही दोस्तों जॉइंट जो है वो इसमें अभी ओनली एक ही टेकिंग हुआ है ताकि फिर से कुछ उल्टा पुल्टा होगा तो उसको सीधा कर सकते हैं, तो उसके लास्ट चेकिंग हो रहा है इसमें एक बार लास्ट टाइम चेक कर लेंगे तो उसे क्या होगा, कभी इधर उधर नहीं जल्दी भागेगा तो ये लॉक हो जाता है एक जगह पे। देखो दोस्तों लास्ट टाइम दोस्तों प्लेम चेक हो रहा है, प्लेम देखो दोस्तों नीचे से ऊपर वहाँ से इस सेंटर टू सेंटर जो हॉल होता है वो उस हॉल सेंटर वाला हॉल से और सेंटर वाला हॉल नीचे वाला अप एंड डाउन हॉल दोनों हॉल से उसको चेक किया जा रहा है ताकि बराबर से हॉल बराबर दिखे इसमें। देखिए दोस्तों इसका हॉल जो है बिल्कुल सही हॉल है, हॉल में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों अभी दोस्तों हल्का सा तो बोलते हैं कि रोलिंग होने के लिए हल्का सा रोलिंग होगा, थोड़ा सा बोल रहे हैं उधर पर वो चल सकता है थोड़ा सा है, लेकिन देखते हैं लोग रोलिंग करते हैं नहीं करते हैं, वो बोलने सही है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों कुछ चेक किया, देखिए दोस्तों ये भी सही था दोस्तों, इसका टेकिंग जो है टेकिंग इसका लग के टेकिंग लगना शुरू हो गया है। देखिए दोस्तों ऊपर दोस्तों अगर लॉक हो गया है तो उसमें आपको फिर आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके लिए दिक्कत नहीं होगा कुछ भी आपको, क्योंकि आपको एक जगह लॉक हो गया तो जो फ्लांच है वो हिलेगा नहीं, आपको इधर उधर नहीं कहीं जाएगा। इसके लिए दोस्तों नीचे भी दोस्तों टेकिंग के लिए आ गया समय। देखिए दोस्तों नीचे भी दोस्तों इसका टेकिंग लगना शुरू हो गया है, और दोस्तों जो टेकिंग शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा लाइट आता है उसमें, बहुत ज़्यादा लाइट फॉक्स मारता है इस पर कैमरा पे, तो उसके लिए दोस्तों बराबर से वो दिखता बराबर नहीं है उसमें। और दोस्तों बहुत ज़्यादा दोस्तों वीडियो में थोड़ा तो कम थोड़ा किया हूँ मैं, इसके लिए दोस्तों इतना लंबा दोस्तों वीडियो बन गया है।
क्यों दोस्तों, एक फिटअप होने के लिए लगभग एक घंटा डेढ़ घंटा टाइम चाहिए, पर हम लोग इसको 10-15 मिनट में दिखाते हैं, तो उसके लिए दोस्तों 20-20 मिनट इसको करना पड़ेगा वीडियो को दोस्तों। ये उसमें खड़ा रहता है इसमें, देखिए दोस्तों अभी इसको दोस्तों इसका काम क्रेन का काम हो गया, इसके लिए क्रेन को निकाल दिया जा रहा है, क्रेन निकाल दे रहे हैं क्रेन को। देखिए दोस्तों क्रेन खाली हो गया अभी, क्रेन का जो रिमोटिंग सिस्टम है वो दोस्तों यहाँ पे है, रिमोट यहाँ पे रहता है दोस्तों। रिमोट मतलब किसी के हाथ में रिमोट होता है और वो वहाँ से ऑपरेटिंग करते हैं रिमोट को। देखिए दोस्तों अभी क्रेन यहाँ से चल दिया होगा अपने अपने स्थान पर जहाँ उसको जाना होगा। देखिए दोस्तों क्रेन अभी यहाँ से चला गया, यहाँ से क्रेन जो ऑपरेटर साहब है वो भी जा रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पे दूसरा कुछ काम होगा वहाँ पे जा रहे हैं वो भी दोस्तों। और जो फिटर भी हैं वो तो दोनों काम करते हैं, जब उसका इनका ही यहाँ पे काम तो इनके उसके लिए वो क्रेन से भी क्रेन का भी काम कर दिए और फिटर भी उनका हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जितना भी लगभग 2-3 फिटर ही यहाँ पर है, सभी लोग फिटर यहाँ पर हैं। देखिए दोस्तों यहाँ दोस्तों इसका अभी दोस्तों एक जॉइंट दोस्तों निकल गया, एक जॉइंट निकल दोस्तों निकल गया, एक तो ऐसा इसका जो एक गैप पट्टी निकल गया, दूसरा गैप पट्टी निकाला जा रहा है दोस्तों। जब टेकिंग लगता है तो थोड़ा टाइट हो जाता है, जब टाइट होता है इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा 2 mm 1 mm ज़्यादा गैप रखा जाता है, ताकि वो जो खींच भी लेगा तो जितना गैप चाहिए आपको उतना गैप आराम से आ जाएगा, उतना गैप आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। देखिए दोस्तों अभी दोस्तों इसमें अभी 2 टेकिंग हो गया, ऊपर नीचे 2 टेकिंग हो गया है दोस्तों। उसका फिर से दोस्तों उसका साइड में चेक करेंगे अभी 90 का चेक करके, उसके बाद फिर से इसको चेकिंग लिया जाएगा साइड में। तो देखिए दोस्तों 90 चेकिंग करने का जगह व्यवस्था हो रहा है इसका दोस्तों। बिल्डर साहब हैं ये, देखिए दोस्तों ये दोस्तों बड़ा दोस्तों ये इसको फंटी बोलते हैं इसको, तो और इसको दोस्तों इसके ऊपर दोस्तों लेवल रखा हुआ है, ताकि लेवल रहे बराबर मालूम पड़े आपको कहाँ पे लेवल जो है इसका सही लेवल है। देखिए दोस्तों लेवल इसका बिल्कुल सही होना चाहिए, लेवल इधर उधर नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों वहाँ से दोस्तों 90 चेक हो रहा है, इसमें 90 चेक हो रहा है और बाद में इधर 90 चेक होगा, दोनों तरफ दोस्तों 90 चेक हो रहा है, दोनों तरफ इधर से भी उधर से भी दोनों तरफ 90 चेक हो रहा है। देखिए दोस्तों वो चेक कर रहे हैं कि 90 बिल्कुल मेरा सही है कि नहीं, तो 90 बिल्कुल सही, 90 है दोस्तों, 90 बिल्कुल सही है। और दोस्तों बिल्कुल साइड में टेकिंग लग रहा है साइड में, देखिए दोस्तों इसमें साइड में दोस्तों 2-3 टेकिंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा वजन है इसमें, 16 इंच का जॉइंट है और हैवी थिकनेस है, तो थोड़ा सा इसको 4-6 टेकिंग इसमें लगना चाहिए टेकिंग इसमें, तो अच्छा रहेगा, मतलब मजबूत रहेगा थोड़ा ये इसके लिए। 6 टेकिंग लगाना सही रहेगा दोस्तों, जिसमें कि 3 टेकिंग हो गया है, 2 ऊपर 1 ऊपर निकल नीचे टेकिंग हो गया, बाद में दूसरा तीसरा टेकिंग लग रहा है, और फिर दोस्तों देखिए देखते कितना टेकिंग लगा रहे हैं इसमें। देखिए दोस्तों इसके दोस्तों अपोजिट 2 साइड में टेकिंग लगाना अभी ज़रूरी है, बाद में टेकिंग होगा इधर तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों हैवी थिकनेस है तो उसके लिए कहीं खींच सकता है, इधर उधर कहीं खींच ले कहीं पाइप। देखिए दोस्तों फिर दोस्तों 90 का चेक हो रहा है दोस्तों, इसको थोड़ा इसके लिए दोस्तों हिला के देख रहे हैं, ताकि इसको मालूम पड़े इसमें कि इधर तो पाइप नहीं हुआ है कहीं, तो दोस्तों चेकिंग तो हो गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों चेकिंग हो रहा है यहाँ पर भी, ताकि इधर उधर देखिए इधर दो टेप कर रहे हैं, ताकि मालूम पड़े कुछ उल्टा पुल्टा कुछ नहीं हुआ है ना, सही है ना सब कुछ, तो देखो दोस्तों बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कुछ फिटर साहब बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही है, उधर से टेकिंग ले लीजिए दोस्तों, अभी उधर से टेकिंग होने वाला है, इसके लिए फिटर साहब जो है उधर से बोल दिए कि उस साइड से टेकिंग लीजिए पहले, क्योंकि इस साइड से तो टेकिंग हो गया है, तो अभी उस साइड से टेकिंग लेना बच गया है। देखिए दोस्तों उस साइड से दोस्तों टेकिंग लिया जा रहा है दोस्तों, जॉइंट बिल्कुल सही जॉइंट हुआ। देखिए दोस्तों नीचे टेकिंग ले रहे हैं, मतलब कि 1 टेकिंग ऊपर में और होगा, तो हमको लगता है कि 6 टेकिंग इसमें होने का चांस रहेगा। देखिए दोस्तों एक जॉइंट दोस्तों ये 16 इंच का जॉइंट तैयार हो गया अभी फिटअप करके। देखिए दोस्तों इसका दोस्तों यहाँ पे अभी जॉइंट तैयार हो गया।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे एक टैगिंग लग गया, उसके बाद दोस्तों उसके ऊपर भी टैगिंग लगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टैगिंग लग गया, मतलब अभी कितना टैगिंग लग गया, ऊपर नीचे साइड में दो साइड चार टैगिंग हो गए दोस्तों। तो ये दोस्तों टैगिंग लग रहे हैं, पाँचवा टैगिंग हो गया, ये बोला पाँच टैगिंग हो गया, और दोस्तों उस साइड में लग गया छः टैगिंग हो गया। तो दोस्तों छः टैगिंग लग करके जॉइंट पूरा कम्प्लीट जॉइंट हो गया पूरा। ओके देखिए दोस्तों, अभी पूरा जॉइंट ओके हो गया, अभी सब कुछ ओके। अब दोस्तों ओके दोस्तों, फिर नमस्कार दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, हमें शेयर कर दीजिए, चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन घंटी आता है वो जरूर प्रेस कर दीजिएगा, उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि मैं डालू नया वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ओके दोस्तों, नमस्कार, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। नमस्कार दोस्तों।